दोस्तों, अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों मखलूकात को पैदा किया है, पर उनमें से अल्लाह ताला की प्यारी मखलूक इंसान जात है। ये दुनिया ऐसे अजीबोगरीब इंसानों से भरी पड़ी है जो आम इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं, जिन्हें देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। तो आज हम जानेंगे पांच ऐसे इंसानों के बारे में जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। थाई निकोग, ये 75 साल इंडोनेशिया का एक किसान है जिसका ये दावा है कि वो 43 साल से नहीं सोया है। थाई का ये कहना है कि इसे 1973 में बुखार हुआ था जिसके बाद से आज तक वो नहीं सो सका। इसको डॉक्टर्स ने कई दफा कुछ दिनों के लिए मुशाहदे में भी रखा लेकिन फिर भी वो नहीं सो सका। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि इसे इंसोमेनिया नामी बीमारी हो सकती है जिसमें इंसान को सोने में काफी मसला पेश होता है, पर इतने सालों से मुसलसल जागते रहना ये डॉक्टर्स की समझ से बाहर है। जॉन टाइटर, सन 2000 में इस शख्स ने ये दावा किया था कि ये एक अमेरिकी फौजी है जो टाइम मशीन के जरिए 2036 से इस दुनिया में आया है। देखते ही देखते ये शख्स अमेरिका में काफी मशहूर हो गया। उसने कहा कि ये एक मिशन पर है। उसने एक मशीन की तस्वीर भी दिखाई और कहा कि ये टाइम मशीन है। उसने कई अजीबोगरीब बातें भी की, जैसे कि दुनिया में एटमी जंग होगी और कई मुल्क तबाह हो जाएंगे, अमेरिका पांच हिस्सों में टूट जाएगा। उसके बाद ये शख्स अचानक से गायब हो गया। एडम रेनर, ये एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी आधी जिंदगी छोटे कद के साथ गुजारी और मानदा बड़े कद के साथ 1917 में इसकी उम्र 18 साल थी और कद सिर्फ 4 फुट 6 इंच था और इसे एक बौना तस्वूर किया जाता था। इसके छोटे कद की वजह से आर्मी में दाखिले से मना कर दिया गया लेकिन फिर एक ट्यूमर की वजह से इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से इसका कद बढ़ना शुरू हुआ और 1930 तक इसका कद 6 फुट 9 इंच तक हो गया। 1950 में इसकी मौत के वक्त इसका कद 7 फुट 8 इंच था। कभी बोना कहे जाने वाला ये शख्स उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा तरीन शख्स था। नताशा डेमकिना, इस 30 साल लड़की का ताल्लुक रूस से है। 17 साल की उम्र से ही इसका दावा है कि इसकी आंखों में एक्सरे मशीन जैसा विजन है और ये इंसानों के जिस्म में मौजूद अज़ा को बगैर किसी मशीन के देख सकती है। हैरतअंगेज तौर पर इसके ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। दुनिया भर में दी गर्ल विद एक्सरे आइस के नाम से मशहूर ये लड़की अब मरीजों को चेक करती है जिनमें अक्सर डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं। मार्च 2004 में इसे एक डिस्कवरी चैनल ने बुलवाया जिसमें इसका एक टेस्ट भी लिया गया जिसको इसने बाखूबी पास कर लिया। जेम्स कैटन, 47 साल इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और ये एक अजीबोगरीब किस्म की जल्दी कैफियत का शिकार है जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज बआसानी चिपका सकता है। ये कोई दावा नहीं बल्कि ये एक हकीकत है जो ये काफी अरसे से सारी दुनिया को दिखाता आ रहा है। डॉक्टर्स अभी तक ये बात नहीं जान सके कि इसके जिस्म में ऐसी क्या बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार भी नहीं है और इसकी हालत बिल्कुल आम इंसानों की तरह है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।